मनीष दीक्षित नाम है मेरा और आप देख रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल नंबर 8। 2.2 का एग्जांपल नंबर 8 है, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, तो 11 का पहला मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल और थर्ड मल्टीपल। तो 11 का पहला मल्टीपल होगा 11x, सेकेंड मल्टीपल होगा 11 इंटू एक्स प्लस 1 और थर्ड मल्टीपल होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2। तो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 क्योंकि कॉन्जेक्टिव मल्टीपल्स होंगे। मान लीजिए यहाँ 1 लगते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 और 1 2 22 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। तो ये तीनों मल्टीपल्स होंगे। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, सम करना है, यानी कि 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 363। क्लियर है? तो पहला मल्टीपल 11x, दूसरा 11 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11x प्लस 11, 11x प्लस 22, 363। 33x प्लस 33, 363। 33x इक्वल्स टू 330, यानी x इक्वल्स टू क्या आएगा, 10। x इक्वल्स टू 10 है तो पहला 11 इंटू 10, फिर दूसरा 11 इंटू 11 और थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 11 इंटू 12। ये 10 कैसे आया, x की वैल्यू, 11 का मतलब क्या है, x प्लस 1 और इसका मतलब क्या है, 11 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहला मल्टीपल 110, दूसरा 121 और तीसरा 132। जब इनका सम करेंगे, देखिएगा 132, 121, 110, ये 363 आ रहा है। तो अपन ने इवन चेक भी कर लिया वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। एक बार दोबारा देख लेते हैं, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल मानेंगे 11x, क्योंकि देखो कॉन्जिक्यूटिव है, तो यदि आपकी डिजिट x है तो दूसरी x प्लस 1 होगी और तीसरी x प्लस 2 होगी। और अब इनका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 11x, 11 इंटू एक्स प्लस 1, 11 इंटू एक्स प्लस 2। तो 11x 11 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 363, यानी 33x प्लस 33 इक्वल्स टू 363। तो 33x इक्वल्स टू 330, x इक्वल्स टू 10। तो पहला आएगा 110, दूसरा आएगा 121 और थर्ड मल्टीपल जो आएगा वो आएगा, थर्ड मल्टीपल जो होगा वो क्या है, 132। अब जब तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 363 विल बी द आंसर।